हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड मिसिंग टर्म्स और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट मिसिंग टर्म। देखो यहां पे ये टेबल दिया है, इसमें x और y का डाटा दिया है और इसमें जो y का डाटा है उसमें एक टर्म मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के कुछ रूल्स पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मिसिंग टर्म के प्रॉब्लम्स दो टाइप के आते हैं। पहला आता है मिसिंग टर्म फॉर इक्वल इंटरवल और दूसरा होता है मिसिंग टर्म फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो ये हमें पहले यहां चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वल इंटरवल्स के लिए है या अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। कैसे चेक करना? चेक करना काफी आसान है। देखो, जो डाटा दिया है उसमें एक्स का डाटा आपको चेक करना है और एक्स के डाटा को देख के आपको पता करना है कि इक्वल है या अनइक्वल है। देखो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये इक्वल इंटरवल है क्योंकि यहां सभी में 1, 1 का डिफरेंस है। देखो सभी में 1, 1 का डिफरेंस है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये इक्वल इंटरवल के लिए है। तो जाहिर सी बात है, इक्वल इंटरवल के लिए हमें अगर सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन। आप ये दो तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करो, तो फिर आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ही यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, कौन से मेथड से सॉल्व करना है वो अगर नहीं लिखा है, तो फिर ये पूरा चॉइस आपका है कि आपको प्रॉब्लम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करना है या फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन से सॉल्व करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो फिर आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं है तो फिर आपका चॉइस है। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये कौन से मेथड से सॉल्व करो, तो हम एक काम करते हैं, चलो इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद में हम आने वाले दिनों में जो नए वीडियोस बनाएंगे उसमें हम यही प्रॉब्लम फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन से भी सॉल्व कैसे करना वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी टर्म मिसिंग है उसको यहां पर कुछ कंसिडर कर लो। यहां पर कितने टर्म मिसिंग है? तो यहां पर सिर्फ एक टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम जो है वो वन टर्म मिसिंग वाले होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स टू टर्म्स मिसिंग वाले होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स थ्री टर्म्स मिसिंग वाले होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन सॉल्व करना काफी आसान होता है। चलो यहां पे आपको ये वन टर्म जो है वो मिसिंग है, तो ये आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करना बताएंगे। तो जो टर्म मिसिंग है मान के चलो कि वो ए है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द मिसिंग टर्म इज ए। ठीक है, ये मान के चलो क्या यहां पे लेना है, ये पूरा चॉइस आपका है। आप चाहे तो ए लो या बी सी एम एन क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा चॉइस आपका है। तो ये हमने लिखे लेट द मिसिंग टर्म इज ए और हमें इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो ये हमने यहां पे लिख लिया है और अब ऐसे में हमें यहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यहां बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यहां बना लिए हैं। ठीक है, यहां पे जगह कम हो रही थी इसलिए हमने उसको यहां बना लिए हैं और यहां पे जो दो स्टेटमेंट हमने लिखे थे वो स्टेटमेंट हमने यहां लिखा है लेट द मिसिंग टर्म इज ए देयरफॉर बाय फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो अब देखिए, ये टेबल में हमने इतने सारे कॉलम बना लिए हैं और अब हर कॉलम में क्या लिखना है वो देखिए। पहले दो कॉलम में आपको एक्स और वाई का डाटा लिखना है। ये जो एक्स और वाई का डाटा है ये आपको एज इट इज यहां पर लिखना है। तो एक्स का डाटा हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। ये x का डाटा हमने लिख लिया और अब y का डाटा, तो y का डाटा है 1, then 3। ठीक है, 1, 3, 9 तो हम लिखेंगे 9, देन यहां पे लास्ट में है 81। लेकिन देखो यहां पे एक टर्म जो है वो मिसिंग था, तो वो मिसिंग टर्म को हमने एज ए लिया है, तो यहां पे हम मिसिंग टर्म की जगह a यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन x और y का डाटा हमने यहां लिख लिया और अब रिमेनिंग कॉलम में हमें क्या लिखना है वो देखिए। रिमेनिंग कॉलम में अब हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करना है, वो इसीलिए क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, तो ऐसे में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करना कंपलसरी है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डेल्टा से शो किया जाता है, डेल्टा यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और अगर ये डेल्टा, अगर ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कोई फंक्शन में लगता है तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो वाई है, ठीक है, y के लिए हमें
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहां पे क्या लिखना है, पहले कॉलम में यहां पे आएगा, देखो y के कॉलम के बाद का जो पहला कॉलम है उसमें आएगा डेल्टा ऑफ y, इसका मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज ऑफ y। देन नेक्स्ट में आएगा डेल्टा स्क्वायर y, इट मीन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। देन आएगा डेल्टा टू द पावर 3 यानी डेल्टा क्यूब वाई, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, और फिर आएगा डेल्टा टू द पावर 4 वाई, ठीक है, दैट इज फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। और आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। लेकिन आपके मन में आएगा कि ये कैसे समझ में आएगा कि डेल्टा टू द पावर 4 तक एक्सटेंड करना है, आगे एक्सटेंड नहीं करना है, ये कैसे समझ में आएगा? तो ये समझना काफी आसान है। इसके लिए यहां पे जो एक्स और वाई का डाटा दिया है उसके तरफ आपको ध्यान देना है, और उसमें स्पेशली आपको वाई का डाटा चेक करना है और देखना है कि वाई में कितनी एंट्रीज दी है। देखो यहां पे एक टर्म मिसिंग है और रिमेनिंग सभी टर्म्स अवेलेबल है, तो कितने टर्म्स अवेलेबल है वो आप चेक करो। तो ये देखिए 1 2 3 4 टर्म्स अवेलेबल है, इसका मतलब यहां पर 4 एंट्रीज है, 4 टर्म अवेलेबल है, इसका मतलब 4 एंट्रीज है। ऐसे में आपको डेल्टा टू द पावर 4 तक एक्सटेंड करना है, समझ में आ गया। अगर यहां पे 5 टर्म्स होती तो हमने डेल्टा टू द पावर 5 तक एक्सटेंड किए होते, अगर 6 टर्म्स होती तो डेल्टा टू द पावर 6 तक एक्सटेंड किए होते, समझ में आ गया। तो जितनी एंट्रीज होगी y की उतने तक आपको एक्सटेंड करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे 4 एंट्रीज है इसलिए हमने डेल्टा टू द पावर 4 तक एक्सटेंड किया है। और अब ये टेबल को हम कंप्लीट करेंगे, तो टेबल कंप्लीट करने के लिए जैसा हमने कहा कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डेफिनेशन यूज करेंगे, दैट इज फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, ऐसा करेंगे। तो ये कैसे होता है, यहां पे देखिए डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है तो यहां पे वाई की वैल्यूज का यूज करना है। तो पहला वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे आपको क्या करना है, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस यहां पे करंट वैल्यू करना है, ये है करंट वैल्यू, ये है फॉरवर्ड वैल्यू। तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करेंगे दैट इज 3 - 1, तो यहां पर आपको रिजल्ट उसके बीच में यहां पर लिख लेना है। देखो 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, हमने दैट इज फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू यहां पे किए, 3 - 1 2। और अब नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा फॉरवर्ड वैल्यू, ये हो जाएगा करंट वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू यहां पे करेंगे तो रिजल्ट यहां पे बीच में लिख लेंगे, दैट इज 9 - 3, तो ये हम लिखेंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो यहां पे फिर से वही फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो a - 9, तो हम यहां लिखेंगे a - 9, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 81 - a, तो हम यहां पे लिखेंगे 81 - a, तो फाइनली हमने डेल्टा वाई का कॉलम कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए वाई का। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे, सेम टेक्निक जो है वो यहां पे आगे कंटिन्यू करना है, डेल्टा स्क्वायर वाई, इसका मतलब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो उसके लिए आपको डेल्टा वाई का यूज करना है, डेल्टा वाई का जो डाटा है उसका यूज करना है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही टेक्निक, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तो ये हम यहां पर क्या करेंगे 6 - 2 करेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको यहां लिखना है 4, ठीक है। और नेक्स्ट ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, ठीक है, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, इसका मतलब a - 9 - 6, तो ये हो जाएगा a - 15, ठीक है, a - 9 - 6। आप चाहे तो रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब आगे बढ़ेंगे, यहां पे नेक्स्ट यहां पे क्या आएगा, देखो ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो यहां पे आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो 81 - a - a - 9, ठीक है। तो रफ अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो यहां पर बता रहे 81 - a - a, ये हो जाएगा +9, देखो +9 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा है 81 - a और यहां पे -a - 9, ऐसा है, देखो ये फॉरवर्ड वैल्यू, ये करंट वैल्यू, तो कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन जब आप यहां पे माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये -a - a हो जाएगा -2a, और 81 और 9 हो जाएगा 90, तो 90 - 2a, तो यहां पर आपको रिजल्ट यहां पे लिख लेना है 90 - 2a का, ऐसे। तो ये हमने डेल्टा स्क्वायर वाई का कॉलम कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए। और अब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की जो वैल्यूज है उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। और फिर से फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू ऐसा करना है, तो चलो यहां पे देखो, तो यहां पे 4 हो गया करंट वैल्यू और ये a - 15 हो गया फॉरवर्ड वैल्यू, तो फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू करना है, तो यहां पे हम एरो बना रहे, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम है इसलिए हम हर जगह यहां पे एरो ऐसा बना रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है वो टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a - 15 - 4, ठीक है, a - 15 - 4, तो ये रिजल्ट यहां पर हम लिखेंगे a - 19,
ऐसा समझ में आ गया। और अब आगे बढ़ेंगे, यहां पे फिर से वही करेंगे, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, ठीक है। तो रिजल्ट आपको यहां लिखना है, तो चलो उसको रफ में यहां बता देते हैं। तो ये 90 माइनस ट्वाइस ए, ये फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू है ए माइनस 15, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस ऑफ ट्वाइस ए माइनस ए प्लस ऑफ 15, ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ थ्राइस ए, और 90 और 15 को ऐड करेंगे तो 105, इस तरह से। तो यहां पे उसका रिजल्ट हम लिख रहे हैं 105 माइनस ऑफ थ्राइस ए। तो ये हमने डेल्टा क्यू वाई का कॉलम कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए। और अब लास्ट कॉलम हमें कंप्लीट करना है, दैट इज डेल्टा टू द पावर 4 वाई, इसका मतलब फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। तो उसके लिए यहां पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की जो वैल्यूज है हमें उसका यूज करना है। तो ये है फॉरवर्ड वैल्यू, ये है करंट वैल्यू, तो इसको यहां पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो देखते हैं रिजल्ट में क्या बनता है, ठीक है। तो यहां पे हम उसको साइड में बताते हैं, देखो 105 माइनस ऑफ थ्राइस ए, ठीक है, ये है फॉरवर्ड वैल्यू और ये है करंट वैल्यू, माइनस ऑफ ए माइनस 19, ऐसा है, ठीक है, ओके। तो ये होगा 105 माइनस ऑफ थ्राइस ए, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए प्लस ऑफ 19, ओके। तो यहां पे माइनस 3a माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4a, और 105 और 19 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 124, इस तरह से। ये देखिए ये रिजल्ट आएगा 124 माइनस 4a, ऐसा रिजल्ट आएगा। तो वो हम यहां पे लिखेंगे 124 माइनस ऑफ 4a। तो फाइनली ये हमने डेल्टा टू द पावर 4y का कॉलम कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब हमने फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस यहां फाइंड आउट कर लिए। और अब यहां पे ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब इसके थ्रू हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो अब ए कैसे मिलता है, ए आपको अगर फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम यहां पे ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। दो तीन स्टेप्स रहेंगी, प्रॉब्लम अब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे हमें पहले लिखना है सिंस 4 एंट्रीज आर गिवन, ठीक है, ये हमें यहां पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिंस 4 एंट्रीज आर गिवन, कितनी एंट्रीज दी है, 4 एंट्रीज दी है, ठीक है। तो देयरफॉर आपको ऐसा लिखना है डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ y इक्वल्स टू 0, सीधा सीधा आपको ऐसा लिखना है। ये देखो डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ y इक्वल्स टू 0 आपको ऐसा लिखना है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा टू द पावर 4 ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जो यहां पे है वही आपको यहां पे लिखना है, सीधा सीधा सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, तो ये देखिए हम यहां पे लिखेंगे 124 माइनस ऑफ 4a इक्वल्स टू 0, डेल्टा टू द पावर 4 y का ये वैल्यू है, ठीक है, यहां से हमने ले लिए, यहां पे रखें इक्वल्स टू 0। अब ये 124 को उधर शिफ्ट करो तो ये होगा माइनस ऑफ 4a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 124, और 124 को 4 से डिवाइड करो, माइनस माइनस कट करो, तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 31। 31 हमें जो मिला है यही है मिसिंग टर्म। तो बस यहां पे लास्ट में स्टेटमेंट लिख लो, देयरफॉर मिसिंग टर्म, देयरफॉर मिसिंग टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो मिसिंग टर्म हमने फाइंड आउट कर लिए, वो मिला 31, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये जो हमने कैलकुलेशन पार्ट जो यहां पे किए हैं ये आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा आपको रफ में करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जामिनर को शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रफ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था फाइनाइट डिफरेंसेस, ये यूनिट में मिसिंग टर्म, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 1। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।